जय हिंद दोस्तों, भारत के सिर पहुंच श्रीलंका। जी हां दोस्तों, आपने सही सुना, रोहित शर्मा, विराट कोहली सहित 18 सदस्यों की पूरी टीम एशिया कप 2023 के लिए श्रीलंका पहुंचते ही भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने धोनी की सलाह से पाकिस्तान के खिलाफ होने वाले मुकाबले के लिए प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया है, जिसे देखकर पाकिस्तान की टीम में दहशत का माहौल बन गया। तो दोस्तों, आखिर वो कौन से 11 खिलाड़ी हैं जिन्हें 2 सितंबर को पाकिस्तान के खिलाफ खेलने का मौका मिलेगा, बताएंगे पूरी खबर, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले, अगर आप भारत की जीत चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। पाकिस्तान के खिलाफ ओपनिंग में सुमन गिल के साथ कप्तान रोहित शर्मा ही खेलते हुए नजर आएंगे। दोस्तों, भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा हैं। आपको बता दें दोस्तों, रोहित शर्मा पिछले कई सालों से भारतीय टीम की कप्तानी कर रहे हैं। रोहित शर्मा दुनिया के पहले खिलाड़ी हैं जिन्होंने वनडे क्रिकेट में 3 दोहरे शतक लगाए हैं। इनमें से सबसे बेस्ट इनका 264 है और अगर इनका बल्ला चला तो सामने वाली टीम की सामझ ही आ जाती है, और अगर इनका बल्ला एशिया कप 2023 में चला तो भारत को एशिया कप जिताने से कोई नहीं रोक सकता। वहीं दोस्तों, दूसरे ओपनर खिलाड़ी हैं सुमन गिल, जिन्होंने बहुत ही कम समय में पूरी दुनिया में अपने बल्ले से अलग ही पहचान बना ली है। T20 क्रिकेट हो, वनडे क्रिकेट हो या टेस्ट क्रिकेट हो, हर जगह अपनी अलग ही छाप छोड़ी है और सभी फॉर्मेट में सुमन का बल्ला जमकर बोलता है। इसलिए भारतीय टीम की वो प्रमुख खिलाड़ी माने जाते हैं जिन्होंने अपने बल्ले से बहुत शानदार प्रदर्शन करते हुए गेंदबाजों को की तो धज्जियां ही उड़ा दी हैं। आपको बता दें दोस्तों, पिछले कुछ महीनों में से सुमन गिल इंडिया के लिए ओपन करते दिखे हैं और दोस्तों, एशिया कप 2023 में रोहित शर्मा और सुमन गिल के ऊपर पूरी जिम्मेदारी रहेगी कि भारत को शानदार शुरुआत दिलाएं। वहीं दोस्तों, तीसरे नंबर पर आएंगे दुनिया के नंबर 1 के बल्लेबाज विराट कोहली। अगर वो प्लेइंग 11 में हैं तो 3 नंबर में ही खेलेंगे। विराट दुनिया के सबसे खतरनाक बल्लेबाज माने जाते हैं। सचिन तेंदुलकर के बाद वनडे में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज हैं। दोस्तों, विराट कोहली अकेले दम पर एशिया कप 2023 जिता सकते हैं और अभी विराट शानदार फॉर्म में भी हैं। एशिया कप 2023 के लिए भारतीय टीम के प्रमुख बल्लेबाज माने जाते हैं। वहीं दोस्तों, चौथे नंबर की बात करें तो श्रेयस अय्यर बल्लेबाजी करने आएंगे, जो भारत के बहुत ही शानदार खिलाड़ी हैं। दोस्तों, श्रेयस चोट के कारण काफी समय से भारतीय टीम से बाहर थे, लेकिन दोस्तों एशिया कप 2023 तक पूरी तरह से फिट हो गए हैं और चोट के कारण आईपीएल 2023 पूरी तरह से बाहर हो गए थे। श्रेयस अय्यर भारत के मिडिल ऑर्डर के अहम बल्लेबाज माने जाते हैं और इनके रहते टीम इंडिया को हराना बहुत ही मुश्किल है। वहीं दोस्तों, पांचवें नंबर पर केएल राहुल आएंगे, जो कि विकेट कीपिंग भी करेंगे, जिन्होंने कई मैच अपने दम पर भारत को जिताया है। लेकिन दोस्तों, पिछले कई समय से ये खराब फॉर्म से गुजर रहे हैं। दोस्तों, केएल राहुल आईपीएल 2023 में फील्डिंग के दौरान चोटिल हो गए थे, लेकिन एशिया कप 2023 तक पूरी तरह से फिट हो गए हैं और भारतीय टीम से जुड़ गए हैं। दोस्तों, बेशक अभी केएल राहुल फॉर्म में नहीं है, लेकिन जब इनका बल्ला चलता है तो बड़े से बड़े गेंदबाज गेंदबाजी करने से डरते हैं, इसलिए एशिया कप 2023 के लिए विकेट कीपर बल्लेबाज के रूप में भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने प्लेइंग 11 में पाकिस्तान के खिलाफ मौका दिया है। वहीं दोस्तों, छठवें नंबर की बात करें तो हार्दिक पांड्या बल्लेबाजी करने आए, जो कि बहुत ही खतरनाक बल्लेबाज है। दोस्तों, आपको बता दें, हार्दिक पांड्या एशिया कप 2023 के लिए भारतीय टीम के वाइस कप्तान भी हैं। हार्दिक शानदार ऑलराउंडर के साथ साथ T20 कप्तान भी हैं। पांड्या ने अपनी कप्तानी में पहली बार में ही गुजरात की टीम को विजेता बनाया था, वहीं आईपीएल 2023 में उपविजेता रही थी। दोस्तों, पांड्या ऐसे खिलाड़ी हैं जो गेंद व बैट दोनों से कमाल मचाते हैं और ये भारतीय टीम के एशिया कप 2023 के बहुत ही अहम खिलाड़ी। वहीं दोस्तों, सातवें नंबर पर रविंद्र जडेजा बल्लेबाजी करने आएंगे, जो कि दोस्तों बाएं हाथ के बहुत ही शानदार खिलाड़ी हैं। अकेले दम पर मैच का रुख बदल सकते हैं, फिर चाहे वो गेंद हो या बैट, दोनों से शानदार और कमाल का प्रदर्शन करते हैं। इसीलिए दोस्तों, एशिया कप 2023 के भारतीय टीम के वो अहम खिलाड़ी माने जाते हैं। वहीं दोस्तों, आठवें नंबर पर भारतीय कप्तान ने स्पिन गेंदबाज कुलदीप यादव को मौका दिया है, जो कि एक चाइनामैन गेंदबाज के नाम से जाने जाते हैं। इनकी गेंद को पढ़ना किसी भी बल्लेबाज के लिए आसान नहीं होता। दोस्तों, ये इतने शानदार खिलाड़ी हैं कि एक ही स्पेल में विरोधी टीम की को मैच छीनने का दमखम रखते हैं और अगर इनकी गेंद चली तो एशिया कप 2023 जीतना बहुत ही आसान हो जाएगा। इसलिए भारतीय कप्तान ने पाकिस्तान के खिलाफ
कुलदीप यादव को खेलने का मौका दिया है। वहीं दोस्तों अब तेज गेंदबाजी की बात करते हैं। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने एशिया कप 2023 में पाकिस्तान के खिलाफ जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी और मोहम्मद सिराज को भारतीय टीम में खेलने का मौका दिया। जसप्रीत बुमराह को आयरलैंड के खिलाफ भारतीय टीम का कप्तान भी ना बनाया गया था, जहां उनका प्रदर्शन शानदार रहा। 2-0 से सीरीज जीतकर भारतीय टीम का नाम किया। जसप्रीत बुमराह की काफी समय से भारतीय टीम में वापसी हुई थी, जो कि दोस्तों गजब का प्रदर्शन करके दिखाया है और ऐसा ही प्रदर्शन करते हुए एशिया कप 2023 में दिखेंगे। वहीं दोस्तों मोहम्मद शमी की बात करें तो वो बहुत ही शानदार खिलाड़ी हैं। दोस्तों WTC में शानदार प्रदर्शन कर नजारा दिखाया था। वहीं दोस्तों इससे पहले IPL 2023 में पर्पल कैप भी अपने नाम करी थी। दोस्तों मोहम्मद शमी बहुत ही शानदार गेंदबाज हैं। एशिया कप 2023 में शानदार गेंदबाजी का नजारा दिखाते हुए नजर आएंगे। वहीं दोस्तों तीसरे गेंदबाज हैं मोहम्मद सिराज, जो अपने पेस के लिए जाने जाते हैं और शुरुआत से ही विरोधी टीम को झटका देने के लिए माहिर हैं। आपको बता दें दोस्तों सिराज भारतीय टीम के प्रमुख गेंदबाज बन चुके हैं। इनके बिना भारतीय टीम की गेंदबाजी बहुत ही कमजोर नजर आती है। यही प्रदर्शन करके एशिया कप 2023 में वो भारतीय टीम को चैंपियन बनाएंगे। इसलिए कप्तान रोहित शर्मा ने एशिया कप 2023 के लिए पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय टीम में मौका दिया है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you.